मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नवगछिया, दिन दहाड़े अपराधियों ने व्यवसायी से मांगी रंगदारी की गोलीबारी। किराना दुकान व्यवसायी से मांगी गई रंगदारी विरोध करने पर हार कर किया घायल। पुलिस ने घटना से खाली खोखा किया बरामद। एसपी ने कहा आवेदन देने के बाद दर्ज किया जाएगा मामला, सीसीटीवी कैमरे की भी होगी जांच। नवगछिया के गौशाला रोड स्थित किराना दुकान संचालक प्रदीप भगत उर्फ पप्पू भगत की दुकान में दिन दहाड़े करीब 3:30 बजे घुसकर अपराधियों ने रंगदारी की मांग और रंगदारी नहीं देने पर उसका विरोध करने पर संचालक को हथियार के बट से मारकर घायल कर दिया व दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नवगछिया थाना को दी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा मौके पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। मौके से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक खाली खोखा भी बरामद किया है। पुलिस स्तर से तत्काल घायल प्रदीप भगत को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्रदीप ने बताया कि वह अपनी दुकान पर था, तभी 2 अपराधी उनकी दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने लगा। विरोध करने पर हथियार का भय दिखाने लगा। इसके बाद भी मना करने पर उसने हथियार से मारकर उसे घायल कर दिया और जाते जाते हवाई फायरिंग भी की। पीड़ित ने बताया कि 2 बाइक पर 4 अपराधी आए थे, मगर दुकान में 2 ही अपराधी घुसे थे और 2 अपराधी सड़क पर खड़े थे। घटना के बाद से नौगछिया व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े रंगदारी मांगने के बाद अब नौगछिया के व्यवसायी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदीप का कहना है कि घटना के बाद वह काफी भयभीत हैं और उन्हें लग रहा है कि अपराधी उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अस्पताल में इलाज करवाने व पुलिस स्तर से व्यवसायी का बयान लेने के बाद उसे पुलिस की अभिरक्षा में घर पहुँचाया गया। नवगछिया, नए वीडियो ने दिया योगदान, मुखिया संघ ने किया स्वागत। नवगछिया प्रखंड में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बुधवार को अपना योगदान दिया। इस मौके पर पूर्व वीडियो कुंदन कुमार ने उन्हें कार्यभार सौंपा। मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप यादव सहित अन्य मुखिया व प्रखंड कर्मियों ने नए वीडियो का स्वागत फूलमाला के साथ किया। मौके पर ढोलबजा पंचायत के मुखिया राजकुमार मुन्ना मंडल, मुखिया अशोक सिंह, मुखिया भरत लाल पासवान, मुखिया अजय सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुभाष राय, गौतम यादव, सचिदानंद यादव सहित नौगछिया प्रखंड के सभी कर्मी व कई लोग मौजूद थे। मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने कहा कि नए वीडियो ने आते ही अपना कार्य संभाल लिया है। उनके आने से सबों को आशा है कि पंचायतों में होने वाले कार्य में रफ्तार बढ़ेगी और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। नवगछिया, बिना किसी सूचना के बंद रहा उर्दू मध्य विद्यालय। नवगछिया के उजानी गांव स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बुधवार को बिना किसी सूचना के बंद था। इधर कुछ बच्चे विद्यालय तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन वो इधर उधर चहल कदमी करते दिखे और विद्यालय में कोई नहीं था। जब ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक से संपर्क साधने का प्रयास किया तो प्रधानाध्यापक का भी मोबाइल स्विच ऑफ था। ग्रामीण स्तर से शिक्षकों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग सफल नहीं हुए। मामला पदाधिकारियों के संज्ञान में तब आया जब स्कूल में मिड डे मील पहुंचा। मिड डे मील रिसीव करने वाला स्कूल का कोई भी जिम्मेदार शिक्षक ना ही प्रधानाध्यापक थे। मालूम हो कि नौगछिया नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय में मिड डे मील सामाजिक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और सौसमय इसे स्कूल भेज दिया जाता है। पूरे मामले पर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान ने कहा कि मामले की छानबीन की जाएगी और जिम्मेदार पदाधिकारियों को जांच में लगाया जाएगा। अगर बेवजह स्कूल को बंद कर पठन पाठन बाधित करने का मामला सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मधेपुरा के दवा व्यवसायी हत्याकांड में 2.5 माह बाद भी नहीं हुई एक की भी गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार का कहना, आरोपी पक्ष से मिल रही बार बार धमकी, खुलेआम अपना व्यवसाय कर रहे आरोपी पक्ष। मधेपुरा जिले के चौसा थाना के बसेठा फुलकिया गांव के निवासी दवा व्यवसायी गौतम जायसवाल हत्याकांड के 2.5 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मालूम हो कि इसी 29 अप्रैल को गौतम जायसवाल का छत विछत शरीर रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के कोसकीपुर गाँव के पास एक कोसी नदी से बरामद किया गया।
था। मालूम हो कि 26 अप्रैल को व्यवसायी अपने घर से निकले थे और फिर वापस नहीं आए और 29 अप्रैल को परिजनों को सूचना मिली थी कि गौतम जायसवाल की लाश कोसकीपुर गांव के पास है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी पूनम देवी का कहना है कि आरोपी पक्ष द्वारा उनको और उनके परिवार को बार बार धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की रही है। जबकि आरोपी इस मामले में नामजद किए गए हैं, सभी आरोपी खुलेआम अपने अपने काम में लगे हैं। बीरपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक निलंबित। नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बीरपुर थाने में प्रतिनियुक्त सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार को नवगछिया एसपी निधि रानी ने निलंबित कर दिया है। जानकारी मिली है कि पिछले दिनों सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया था। जाम करने वाले लोगों में से कुछ के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई तो कुछ अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार पर आरोप था कि वह पिछले दिनों रोजाना गाँव जाते थे और ग्रामीणों को केस नामजद करवा देने की धमकी देते थे। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत वरीय पुलिस पदाधिकारी से की थी, जिसके बाद नौगछिया एसपी ने मामले की संयुक्त जांच के बाद सहायक अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। नवगछिया मनीष हत्याकांड, सातिर पप्पू यादव के घर हुई पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती। इस्माइलपुर स्थित दवा व्यवसायी ग्रामीण चिकित्सक पिंटू शर्मा के पुत्र मनीष कुमार के हत्या मामले में मुख्य आरोपी इस्माइलपुर निवासी सातिर पप्पू यादव के घर की कुर्की पुलिस ने बुधवार को की है। कुर्की में गोपालपुर और इस्माइलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से भाग लिया। पुलिस ने दावा किया है कि पप्पू के घर की कुर्की सघनता से की गई है। दूसरी तरफ पप्पू की तलाशी व गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस्माइलपुर थाने के थानाध्यक्ष ने कहा कि जल्द से जल्द पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालूम हो कि 23 जून को जब पिंटू शर्मा अपने दो पुत्रों को लेकर भागलपुर स्कूल पहुंचाने मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उसी समय इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 85 चौक पर पहले से घात लगाए बैठे कमलाकुंड निवासी डॉक्टर विनीत और सातिर पप्पू यादव ने तीनों पर जानलेवा हमला किया था। पिंटू शर्मा पर चलाई गई गोली उसके शर्ट के पैकेट में रखे मोबाइल में जा लगी और वह बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ बौखलाए अपराधी ने उसके 13 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार की ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पीड़ित परिवार को पुलिस की सुरक्षा दी गई है और इस मामले में एक अन्य आरोपी कमलाकुंड निवासी डॉक्टर विनीत ने पिछले दिनों ही नौगछिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। हत्या सहित कई मामले में सातिर पप्पू यादव इस्माइलपुर पुलिस के टॉप टारगेट पर है। पुलिस का दावा है कि पप्पू इस्माइलपुर छोड़कर भाग गया है, तो दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि पप्पू मोबाइल फोन के सहारे इस्माइलपुर के व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल बना रहा है। बुलेटिन के प्रायोजक हैं भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान माँ अम्बे इंटरप्राइजेज तीतरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज दीवान टेबल कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 98011 50 179। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। नवगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा एक छत के नीचे, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। नेचर क्लासेस प्रेजेंटेड बाय पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट थाना रोड नौगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व कोचिंग संस्था का निरीक्षण जरूर करें, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान होगा। संपर्क सूत्र अमित कुमार, संचालक पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट थाना रोड नौगछिया। नामांकन आज ही कराएं। कौशल केमिस्ट्री क्लासेस उत्तर बिहार का गौरव, अ इंस्टीट्यूट दैट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। 11वीं एवं 12वीं में केमिस्ट्री की पढ़ाई हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में। संपर्क करें कौशल सर, बाल भारती इंग्लिश मीडियम गेट के सामने, गौशाला रोड नौगछिया। मोबाइल नंबर 8298 59 20 36।
सब्सक्राइब करें गोसाई गौ समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।